आपका स्वागत है, मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शादी के शरण नेत्रे अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की समय जगत समूह की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जैन के आलोट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रत्याशी चयन के समय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रविदास समाज की उपेक्षा की जाने को लेकर एक बार फिर समाज आक्रोशित होकर मुखरित हो उठा है। हमारा हौसला बुलंद करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। विशेष हमको ये आवश्यकता इसलिए लगी कि मैं कांग्रेस पार्टी से का कार्यकर्ता हूँ, तो ट्राई करा था, मेरा नाम भी था, सिंगल नाम भी चला था मेरा, किन्हीं कारणों से मुझे नहीं दी गई, मुझे रोका गया। राष्ट्रीय सर्व मेघवंशी महासभा इंडिया शाखा मध्य प्रदेश के महासभा संरक्षक लक्ष्मी नारायण सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष पीरूलाल मेघवाल व नागुलाल सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से एक जाति विशेष को प्रदेश व देश में नेतृत्व प्रदान करती आ रही है तथा रविदास समाज की हमेशा उपेक्षा की जा रही है। नागुलाल सूर्यवंशी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। रविदास समाज के उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। सूर्यवंशी पूर्व में जिला ग्रामीण महासचिव, ब्लॉक सचिव तराना, यूथ कांग्रेस में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में महासचिव रहने के साथ ही कांग्रेस के पोल खोलो यात्रा में तराना विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी तथा जनपद सदस्य व रविदास समाज के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा आश्वासन ही मिलता रहा है। इस बार लोकसभा प्रत्याशी चयन में अंतिम समय तक आश्वासन दिया गया और एंड वक्त पर इनको प्रत्याशी घोषित ना करते हुए एक अन्य समाज विशेष के व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसको लेकर रविदास समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। रविदास समाज द्वारा सरकार में समाज के नेतृत्व की पुरजोर मांग की जा रही है। यदि समाज को पार्टी नेतृत्व प्रदान नहीं करती है तो समाज एक तरफा निर्णय लेने को बाध्य होगा। ऐसे में या तो लोकसभा चुनाव में रविदास समाज नोटा का प्रयोग करेगा या समाज से निर्दलीय उम्मीदवार उतारेगा, जिससे पार्टी को रविदास समाज की उपेक्षा का जवाब मिल जाएगा। कि विगत 35 साल से रविदास समाज की राजनीतिक करियर वोट किया जा रहा है, जिला पंचायत से लगातार सांसद तक इस रविदास समाज की कोई गणना नहीं है। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, वहाँ भले ही समाज की 2 सीटों पर कोई उनका आधिपत्य नहीं है, वहाँ कोई इनकी आबादी नहीं है। यहाँ पर मालवे के अंदर शाजापुर और उज्जैन दोनों समाज की बहुसंख्यक आबादी है। मेरा ये मानना है कि एक अगर रविदास समाज को उज्जैन दे दें तो अन्य समाज को शाजापुर दे दें, या फिर रविदास समाज को शाजापुर दे दें तो अन्य समाज को यहाँ पर दे दिया जाए। मेरा ये उद्देश्य है। इसमें एक ये नहीं कि दोनों समाज को उपेक्षा होगा या दोनों समाज को छोड़ दिया जाए, यहाँ बिल्कुल समकक्षता का उपयोग करना चाहिए और इसमें साथ में रहना चाहिए और रखना चाहिए। वार्ता करी है हमने, रविदास समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेस वार्ता करी है। कांग्रेस पार्टी ने रविदास समाज को विगत 35 वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसलिए हमने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को ऊपर तक हम मैसेज देना चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं हम? लोकसभा चाहते हैं सर, क्योंकि कांग्रेस में टिकट फाइनल कर चुकी है। कांग्रेस में टिकट जब तक फाइनल नहीं होते साहब, जब तक बी फॉर्म निर्वाचन आयोग को नहीं पहुंच जाता, इसलिए नाम उन्होंने करा है वो बात हम मानते हैं, पर वो उसका ये मतलब नहीं होता कि बी फॉर्म उनका जमा हो गया। क्या आपकी आगे अगर मान लो सब टिकट नहीं मिलता समाज को, तो फिर क्या स्टैंड रहेगा आप लोग आगे? समाज के प्रदेश अध्यक्ष और समाज के सभी पदाधिकारी मिलकर कोई ठोस निर्णय लेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम निर्दलीय के रूप में आ सकते हैं या फिर हम नोटा का उपयोग करेंगे। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।